माना कि जानवर हम इंसानों की तरह कंप्यूटर नहीं चलाते, लेकिन तब भी उनमें इतना दिमाग होता है कि वो एक दूसरे की मदद करने के लिए भागे चले आते हैं और कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। पहली क्लिप के अंदर बहुत सारे जीब्रा का झुंड नदी किनारे पानी पी रहा होता है, तभी अचानक नदी में से बाहर निकल के एक मगरमच्छ उनमें से एक जीब्रा को पकड़ लेता है। मगरमच्छ जीब्रा को पानी के अंदर खींचने लगता है ताकि वो गुलाटी मार के उसे ढेर कर सके। मगरमच्छ ने जीब्रा की टांग को पकड़ा होता है, तभी यहाँ पास में खड़े हिप्पोस का झुंड जीब्रा की मदद करने आता है। उनमें से एक हिप्पो मगरमच्छ की पूंछ को अपने दांतों से पकड़ के खींचने लगता है, जिससे मगरमच्छ की पकड़ जीब्रा पे छूट जाती है और बाकी के हिप्पो उस मगरमच्छ को दूर भगा देते हैं। जीब्रा की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी टांग का बुरा हाल होता है, जैसा कि वो बाद में लंगड़ाता है। ये क्लिप एक जू की है, जिसके अंदर हम एक बड़े सारे भालू को देखते हैं। तभी आसमान से घायल होके एक कौवा पानी में गिर जाता है। कौवा पानी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंख गीले हो जाते हैं और फिर वो पानी वाला गड्ढा भी काफी गहरा होता है, जिससे अपने आप बाहर निकलना कौवे के लिए मुश्किल होता है। तभी वो भालू कौवे को देख लेता है और अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। भालू का हाथ ज्यादा दूर नहीं जाता तो वो अपने मुंह से कौवे के पंख को पकड़ लेता है और उस कौवे को पानी से बाहर ले आता है। भालू उस कौवे को मारता नहीं है और जू के द्वारा दिया गया मांस खाने लगता है। कुछ ही देर में उस कौवे को होश आता है और वो अपने पंख को सुखाने के लिए झड़कारने लगता है। इस क्लिप के अंदर एक शेरनी विल्डरबीस्ट के बच्चे के साथ होती है। ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ चुका होता है। इसको मारने की बजाय शेरनी इस बच्चे की देखभाल करती है। तभी पास में एक दूसरी शेरनी इस बच्चे को मारने के लिए आती है, लेकिन पहले वाली शेरनी इस बच्चे को बचाते हुए दूसरी शेरनी से लड़ पड़ती है। इस क्लिप के अंदर एक शेरनी ने हिरण की गर्दन को अपने मुंह में पकड़ा होता है। हिरण के पास बचने का और कोई चारा नहीं होता तो वो मरने का दिखावा करता है। तभी वहाँ पेड़ से बहुत सारे बंदर नीचे उतर के हिरण की मदद करने आते हैं। वो शोर मचाने लगते हैं और उस शेरनी को घेर लेते हैं। इतने सारे बंदरों को अपनी ओर आता देख शेरनी घबरा जाती है। पहले तो वो बंदरों को दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन बात न बनती देख वो हिरण को छोड़ के वहां से भाग जाती है। हिरण को जब लगता है कि शेरनी जा चुकी है तो वो अपना मरने का नाटक छोड़ के खड़ा हो जाता है